Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel. And in this video we will discuss about the internal structure of the heart. ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हार्ट का वो कैसा होता है. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हार्ट कैसे बनता है, क्या क्या चीजें उसमें पाई जाती है, कौन कौन से वॉल पाए जाते हैं, कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में जाना था. ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक एक करके उन सारे चैम्बर्स को पढ़ेंगे जो कि हार्ट में पाए जाते हैं. और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को. हमने बात करी थी हार्ट में जो है चार चैम्बर होते हैं. ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, इसमें हमने बात करी थी चार चैम्बर होते हैं. चैम्बर का मतलब क्या होता है हमारा, चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं हम कक्ष, कमरे. मान लीजिए आप कि चार कमरे जो है, जैसे चार कमरे होते हैं उसी टाइप से हार्ट में जो है चार कमरे पाए जाते हैं. हमने बात करी थी पिछली वीडियो में. ठीक है, तो हमने बताया था जो ये वाला पार्ट है वो होता है हमारा राइट एट्रियम, ये वाला होता है लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो सबसे पहले हम जो है हार्ट के राइट वाले पोर्शन को पढ़ेंगे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को, कि इनमें जो है क्या क्या चीजें पाई जाती है, क्या क्या ये होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए राइट एट्रियम में राइट अपर इट फाउंड्स राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट. ठीक है, ये जो कहां पाया जाता है ये राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट है. ठीक है, इस जैसे आपको दिख रहा है इसमें चार चैम्बर्स हैं. ठीक है, तो ये जो राइट वाला है वो अपर चैम्बर है. राइट हार्ट का राइट साइड और अपर चैम्बर वो हमारा राइट एट्रियम है. ठीक है, और जो राइट वेंट्रिकल है ये है जस्ट बिलो ऑफ द राइट एट्रियम, और उसके राइट एट्रियम के जस्ट बिलो जो है क्या पाया जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल. ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वॉल बॉडी एंड पंप्स इट इनटू राइट वेंट्रिकल. ठीक है, जो राइट एट्रियम है हमारा वो क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है और किससे आता है, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से उसमें जो है ब्लड आता है, और वो कहां पंप करता है, वो पंप करता है हमारा राइट वेंट्रिकल में. ठीक है, अब देखिए राइट वेंट्रिकल क्या करता है उस ब्लड का, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से रिसीव करता है ब्लड को एंड पंप्स इट इनटू लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी. ये क्या करता है, ब्लड को जो है पंप करता है, कहां करता है, लंग्स में. लंग्स में पंप करता है थ्रू किसके, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा. पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ब्लड जो है हमारा कहां जाता है, लंग्स में जाता है. ठीक है, अब देखिए फॉर्म्स राइट बॉर्डर स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द बेस. ठीक है, ये क्या करता है हमारा जो राइट बॉर्डर है हार्ट का, हार्ट में जो जो बॉर्डर पाए जाते हैं उनमें से जो राइट बॉर्डर है हार्ट का वो जो है क्या बनाता है हमारा राइट एट्रियम बनाता है, और स्टर्नोकोस्टल सरफेस बनाता है हमारा. सरफेस जो हार्ट में होते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस बनाता है. स्मॉल पार्ट ऑफ द बेस, बेस का मतलब क्या होता है हमारा, बेस का मतलब होता है आधार जैसे. ठीक है, तो वो क्या बनाता है हमारा, ये राइट एट्रियम बनाता है. ठीक है, हार्ट का बेस. देखिए मेनली तो क्या होता है हमारा, कोई भी चीज है तो उसका बेस जो है वो कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है. ठीक है, किसी भी चीज का बेस जो है वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन हार्ट का जो बेस है, हार्ट का बेस जो है वो ऊपर की तरफ होता है. ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है हार्ट का वो हमारा बेस होता है. ठीक है, जैसे कि जैसे आप पहाड़ को ले लीजिए, पहाड़ जो होते हैं हमारे हिल्स, उनकी उनका जो बेस होता है वो हमारे नीचे होता है. ठीक है, लेकिन हार्ट में जो है उल्टा होता है, जस्ट उसका जो है बेस ऊपर की तरफ होता है. तो इसीलिए ये क्या करता है हमारा, स्मॉल पार्ट ऑफ द बेस, यानी कि जो इसका बेस है उसका एक छोटा सा पार्ट बनाता है राइट एट्रियम. अब देखिए राइट वेंट्रिकल क्या करता है, फॉर्म्स इन्फीरियर बॉर्डर. जो इन्फीरियर बॉर्डर है हमारा हार्ट का वो क्या बनाता है हमारा, राइट वेंट्रिकल बनाता है. ठीक है, अब देखिए देयर इज अ ग्रुप बिटवीन एसवीसी एंड आईवीसी नोन एज सल्कस टर्मिनलिस. ठीक है, इनके बीच में क्या पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है. ठीक है, ग्रुप पाया जाता है कहां पर, पाया जाता है एसवीसी और आईवीसी के बीच में, यानी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के बीच में एक ग्रुप पाया जाता है, जिसको हम जानते हैं सल्कस टर्मिनलिस के नाम से, या उसको आप पेसमेकर कह सकते हैं. ठीक है, पेस मेकर के नाम से जाना जाता है. अपर पार्ट कंटेन एसए नोड विच इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. ठीक है, जो इसका अपर पार्ट होता है राइट एट्रियम का वो क्या कंटेन करता है हमारा, वो कंटेन करता है पेस मेकर, विच इज कंटेन
विच इज नोन एज पेस मेकर, ठीक है, ऐसे नोड कंटेन करता है हमारा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये पढ़ा जाता है हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम, आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, उसमें आपको समझ आएगा ऐसे नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ हिज, ये क्या 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 होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो ये जो इसका जो अपर पार्ट है राइट एट्रियम का, जैसे ये राइट एट्रियम है, इसका अपर पार्ट जो है ये क्या कंटेन करता है हमारा, ऐसे नोड करता है कंटेन, जो ऐसे नोड क्या करता है इम्पल्स जो है इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे हार्ट क्या करता है हमारा पंप करता है, ठीक है, इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है हमारा ऐसे नोड, इसीलिए इसको जो है पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। पेस मेकर देखिए क्या होता है, पेस मेकर एक किस्म से इम्पल्स जनरेट करने की मशीन आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, जब जब किसी का हार्ट जो है पंप करना मतलब बीट करना जो है बंद कर देता है, तो उसमें जो है आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाने के बाद जो क्या करता है हार्ट उसका रेगुलरली जो है बीट करना शुरू करता है, ठीक है, तो ऐसे ही जो है नेचुरली जो है राइट एट्रियम में जो है हमारा ऐसे नोड पाया जाता है, जिसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, जो हमारे हार्ट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर उनको हम अंदर से उनका डाइसेक्शन करते हैं और उनको अंदर से खोलते हैं अगर, तो हमें क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाई देगी वो इसमें हमने बताया है, ठीक है। अब तक जो हमने देखा वो तो उसका आउटर व्यू था, बाहर से दिखने में वो कैसे लगेगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेकिन अब अंदर से उसको खोल कर देखेंगे डाइसेक्शन के दौरान, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए राइट एट्रियम में हमारा आएगा एक स्मूथ पार्ट, स्मूथ पार्ट होगा, स्मूथ जैसे नाम से लगेगा कैसे लगेगा वो स्मूथ लगेगा, या उसको हम पोस्टीरियर पार्ट भी बोलेंगे, ठीक है। मोस्टली ऑल द ट्रिब्यूटरीज ओपन इट आल्सो नोन एज द साइनस वेनारम, ठीक है, मोस्टली क्या होगा इसमें जो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसमें ओपन होती है, ठीक है, इसीलिए ये स्मूथ होता है क्योंकि ड्यू टू ब्लड फ्लो, यहाँ पर क्या होता है ब्लड फ्लो बार बार होता रहता है, इसलिए क्या है ये पार्ट जो है हार्ट का जो क्या होता है अंदर से स्मूथ प्रेजेंट होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, अगर कहीं पर पानी बह रहा है, ठीक है, कहीं पर बहता ही जा रहा है किसी पत्थर के ऊपर बहता ही जा रहा है, तो वो पत्थर कैसा हो जाएगा स्मूथ हो जाएगा एक टाइम के बाद, वैसे ही यहाँ पर भी जो है ये पार्ट स्मूथ होता है ड्यू टू ब्लड फ्लो, ठीक है। और दूसरा आता है इसका रफ पार्ट, एक आता है स्मूथ पार्ट, एक आता है रफ पार्ट, ठीक है। प्रेजेंट्स सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलेटर रिजेस, इसमें क्या होता है मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो है ये वाला पार्ट जो है हमारा एंटीरियर पार्ट वो कैसा होता है हमारा रफ होता है, ठीक है। अगर बात करें हम इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, इसमें पाया जाता है हमारा एक इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब कि एट्रियल एट्रियम और एट्रियम के बीच में पाए जाने वाला सेप्टम, ठीक है। अ शैलो डिप्रेशन इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट नोन एज द फोसा ओवैलिस, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम में क्या होता है एक शैलो डिप्रेशन क्या पाया जाता है प्रेजेंट होता है, मतलब फोसा कहते हैं हम उसे, शैलो या डिप्रेशन होल जैसे, शैलो यानी कि गड्ढा, हल्का सा गड्ढा पाया जाता है इसमें, ठीक है। जैसे ये हमारा हार्ट है मान लीजिए, ठीक है, तो ये एट्रिया, ये दोनों क्या है ऊपर की, ये क्या है एट्रियाज है और ये क्या है वेंट्रिकुलर है, तो इंटर एट्रियल और वेंट्रिकुलर इनके बीच में क्या पाया जाता है एक शैलो डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम जानते हैं नोन एज फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस के नाम से जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है हमारा समटाइम्स अ स्लिट लाइक ओपनिंग इज प्रेजेंट नोन एज फोरामेन ओवेल, नॉर्मली इट्स गेट्स ऑक्लूटेड आफ्टर बर्थ, ठीक है। इसके बीच समटाइम्स कभी कभी क्या पाया जाता है हमारे इंटर एट्रियल सेप्टम में क्या पाया जाता है एक स्लिट लाइक ओपनिंग पाई जाती है, स्लिट मतलब एक पतली टाइप की जो है ओपनिंग पाई जाती है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है एक पतली सी जो है ओपनिंग पाई जाती है हमारी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जैसे बर्थ हो गया, आफ्टर बर्थ क्या होता है ये जो है हमारी ओपनिंग ये क्या हो जाती है ये क्लोज हो जाती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी डिजीज में, सम डिजीज में क्या होता है ये जो है ओपनिंग ऐसी ही रह जाती है, जो क्या होती है ये बंद नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हार्ट में बहुत सारे दिक्कत आता है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड आएगा वो जो है अब राइट वेंट्रिकल में जाना था, लेकिन इस ओपनिंग की वजह से कुछ ब्लड जो है कहाँ चला जाता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, ठीक है। तो ये डिजीज के कारण है, जैसे डिजीज हो सकता है हमारा इससे, ठीक है। ये हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम।
अब देखिए जो राइट वेंट्रिकल है ये वाला पार्ट हार्ट का, उसमें जो है क्या क्या पाया जाता है। एक पाया जाता है इनफ्लोइंग और आउटफ्लोइंग। इनफ्लोइंग मतलब जहां से ब्लड आ रहा है, और आउटफ्लोइंग जहां से ब्लड जा रहा है। ठीक है, इसका दो काम, इसका काम तो सिर्फ एक ही है कि ब्लड को रिसीव करना है और सीधे राइट वेंट्रिकल को छोड़ना है। लेकिन इसका जो है दो काम होते हैं, एक तो ब्लड रिसीव करना होता है, दूसरा क्या है इसको ब्लड जो है पंप भी करना होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो इनफ्लोइंग पार्ट जो है हमारा राइट वेंट्रिकल का वो कैसा होता है, रफ ड्यू टू मस्कुलर रिजेस। कैसा पार्ट जो हमारा इनफ्लोइंग है वो कैसा होता है, रफ होता है। ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू मस्कुलर रिजेस। ठीक है, और आउटफ्लोइंग पार्ट क्या होता है, इट इज स्मूथ। ये कैसा होता है हमारा, स्मूथ होता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अब देखिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रियल वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में वाला जो सेप्टम होता है, जैसे इंटर एट्रियल सेप्टम था वैसे ही इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी होता है। ठीक है, तो ये कहता कैसा है, इट इज ऑब्लिक, अपर पार्ट इज थिन एंड लोअर पार्ट इज थिक। इसका जो अपर पार्ट है वो कैसा होता है हमारा, थिन होता है, और लोअर पार्ट जो है वो कैसा होता है, थिक होता है। तो ये था हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के इंटरनल स्ट्रक्चर की, इंटरनल अगर हम उनको खोलते हैं तो वो हमें कैसे दिखते हैं। अब हम देखते हैं हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है, हमने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल देखा, हमने शुरू में ही बात करी थी हार्ट के जो है कितने चैम्बर होते हैं, चार। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वाला पोर्शन हमने देख लिया, आप देखेंगे हम लेफ्ट वाला पोर्शन हार्ट का, जो कि हमारा होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम को देखते हैं। लेफ्ट एट्रियम क्या है, इट मेक्स 2/3 ऑफ द बेस। ठीक है, जो बेस है उसका 2/3 पार्ट जो है वो बनाता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, मैंने बात करी थी पहले, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो है हमारा हार्ट जो है उसका जो है बेस वो ऊपर की तरफ होता है, बेस जो है ऊपर की तरफ होता है, और एपेक्स जो है इसका वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली बेस अभी का नीचे होता है, लेकिन हार्ट में जस्ट उल्टा है। ठीक है, इसका बेस जो है वो ऊपर पाया जाता है। तो जो इसका लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करता है, इसका 2/3 पार्ट ऑफ बेस बनाता है। ठीक है, अब क्या करता है, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंड पंप्स इट इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल। ठीक है, ये क्या करता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कंटेन करता है, कहाँ से, लंग से, लंग से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में, थ्रू किसके आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है, और कहाँ लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ जाता है, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, इन दोनों को, दोनों का नाम बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व एक ही है, उसको जो है क्रॉस करते हुए कहाँ जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये इसका काम है। मोस्टली ऑफ दी मोस्ट ऑफ दी हार्ट इंटीरियर स्मूथ, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली कैसा है, अंदर से स्मूथ है, अंदर से अगर आपको उसको देखोगे तो मोस्टली जो है स्मूथ दिखेगा। अब बात करते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल के, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या क्या पाए जाते हैं, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंड पंप्स इट इनटू एओर्टा। ये क्या करता है, मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, कहाँ से, लेफ्ट एट्रियम से, और पंप करता है इसको एओर्टा में, एओर्टा में जो है इसको क्या करता है वो पंप करता है। ठीक है, इट फॉर्म्स एपेक्स। ठीक है, ये क्या करता है, हार्ट का जो एपेक्स होता है वो फॉर्म करता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट का जो है एपेक्स होता है, और बेस इसका जो है ऊपर होता है। तो जो एपेक्स वाला, एपेक्स है हार्ट का, वो कौन बनाता है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। ठीक है, इसका इंटीरियर जो पार्ट है यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये दो पार्ट्स कंटेन करता है हमारा, एक लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। ठीक है, जो लोअर पार्ट है वो रफ है और जो अपर पार्ट है वो स्मूथ है। अब देखिए रफ क्यों है, क्योंकि इसमें जो है मस्कुलर रिजेस आर प्रेजेंट, मस्कुलर रिजेस जो है प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो है इसका लोअर पार्ट वो कैसा है, रफ, और जो इसका अपर पार्ट है वो कैसा होता है हमारा, स्मूथ होता है। ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट था, कि हार्ट को जो है हम बाहर से जो चारों चैम्बर होते हैं हार्ट के उनको हमने डिटेल में पढ़ा, वैसे तो ओवरव्यू हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन इसमें हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अगर आगे हम बात करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ दी हार्ट, हार्ट के जो कंडक्टिंग सिस्टम है यानी कि इम्पल्स जनरेट जो है वो कैसे होती है हार्ट में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।